हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने ईवीएस का चैप्टर 12 आवा क्लॉथ्स लेकर आई हूं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स फॉर आवर प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर। क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि सभी जानते हैं कि हम सभी तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं और जो हमें मौसम से सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा जो कपड़े होते हैं वो किससे बनते हैं? प्लांट्स और एनिमल से। कैन यू गैस हाउ इट इज पॉसिबल? क्या आप गैस कर सकते हैं ये कैसे मुमकिन है? नीड ऑफ क्लोथ्स। वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड। हमें कपड़ों की जरूरत क्यों होती है? जिससे कि हम अपनी बॉडी को कवर कर सके, और क्योंकि वो हमें किस चीज से बचाती है? गर्मी से, सर्दी से, बारिश से और हवा से, जो धूल मिट्टी चढ़ती है उस सब चीजों से हमें प्रोटेक्ट करती है। क्लोथ्स आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डर्ट एंड डस्ट। जो कपड़े होते हैं वो हमें गंदगी से और धूल मिट्टी से भी बचाता है। जैसे अब यहाँ पे कुछ ऐसे कपड़े हैं जो हम अक्सर पहनते हैं, कैप, ट्राउजर, कोट, टी शर्ट, फ्रॉक, स्वेटर, हैट, स्कर्ट। दीज टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर शोन हियर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन। जैसे कि सभी जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं। सबसे पहले आता है कॉटन क्लोथ्स। Summer is very hot. We wear cotton clothes in summer. They keep us cool. We get cotton from cotton plants. जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं, तो जो जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं? कॉटन प्लांट से मिलते हैं। और जैसे कि सभी को पता है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उस टाइम पर हम कॉटन के क्लोथ्स ही पहनते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो कूल रहती है। इसके बाद आता है वुलन क्लोथ्स। विंटर इज वेरी कोल्ड। सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, ठंड लगती है। वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। जैसा कि अभी सीजन चल ही रहा है तो हम उसमें सीजन में क्या पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। दे कीप अस वार्म, और वो हमें गर्म रखते हैं। We get wool from sheep. और हमें जो वुलन होता है, वुलन क्लोथ्स किससे बनते हैं? वूल से बनते हैं, ऊन से बनते हैं। तो ऊन हमें किससे मिलती है? शिप से मिलती है, जो कि एक एनिमल है। क्लोथ्स फॉर रेनी सीजन। वी वेयर रेनकोट्स इन रेनी सीजन। हम रेनी सीजन में क्या पहनते हैं? रेनकोट पहनते हैं जब भी हम बाहर निकलते हैं घर से। दे कीप अस ड्राई, और वे हमें सूखा रखते हैं। वी ऑल्सो यूज एन अम्ब्रेला वैन वी गॉट आउट इन द रेन। और इसके अलावा हम अम्ब्रेला भी यूज करते हैं जो हमें बारिश से बचाता है। यूनिफॉर्म्स। सम पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स, दे आर कॉल्ड देयर यूनिफॉर्म्स। कुछ ऐसे क्लोथ्स भी होते हैं जो स्पेशल क्लोथ्स की कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें हम यूनिफॉर्म बोलते हैं, जिसकी वजह से, यूनिफॉर्म की वजह से हम उन पर्संस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यू ऑल्सो वियर योर स्कूल यूनिफॉर्म। जैसे स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर दी हुई है सोल्जर। अगर हम सोल्जर के यूनिफॉर्म देखते हैं तो हमें आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये सोल्जर है। उसके बाद डॉक्टर, जैसे डॉक्टर ने व्हाइट कलर का कोट पहना हुआ है तो हमें पता लग जाता है ये डॉक्टर है। उसके अलावा पुलिस, जो खाकी यूनिफॉर्म होती है उससे भी हमें आइडेंटिफाई हो जाता है पुलिसमैन के लिए। और इसके अलावा स्टूडेंट, जब हम किसी स्टूडेंट को देखते हैं और वो स्कूल ड्रेस में होता है या स्कूल यूनिफॉर्म में होता है तो हमें पता लग जाता है ये स्टूडेंट है। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म की मदद से हम किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स। क्लीन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। We must take good care of our clothes. हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए, और क्लीन क्लोथ्स जो होते हैं हमें स्मार्ट
देखने में मदद करते हैं और हमें हमेशा अपने कपड़ों की भी देखभाल करनी चाहिए। अब हम कुछ बुकवर्क करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, विंटर और रेन। कॉटन क्लोथ्स कब पहनते हैं? समर। अ स्टूडेंट वियर्स अ फैंसी यूनिफॉर्म, स्पेशल ड्रेस। स्टूडेंट क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म। वी गेट वूल फ्रॉम, हमें वूल किससे मिलती है? शिप से, गॉड से या हॉर्स से? शिप। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। वी यूज एन डैश व्हेन वी गो आउट इन रेन्स, जब हम बारिश में बाहर जाते हैं तो क्या पहनते हैं, क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला। डैश क्लोथ्स कीप अस कूल, हमें ठंडा कौन रखता है? कौन से कपड़े रखते हैं? कॉटन क्लोथ्स। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट डैश रेन एंड डस्ट, क्लोथ्स हमें किस किस चीज से बचाते हैं? हीट से, रेन से, डस्ट से और इसके अलावा कोल्ड से। वी वेयर डैश क्लोथ्स इन विंटर, सर्दियों में कौन से कपड़े पहनते हैं? वुलन। नेक्स्ट आता है इन विच सीजन यू वेयर द फॉलोइंग क्लोथ्स, यहाँ पे कुछ क्लोथ्स दिए हुए हैं, हमें इनको देखकर ये आइडेंटिफाई करना है हमें कौन सा क्लोथ कौन से सीजन में यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्वेटर बना हुआ है, तो स्वेटर कब पहनते हैं? विंटर सीजन। नेक्स्ट यहाँ पे टी शर्ट बनी हुई है, तो हाफ बाजू की है वो भी, तो किस में यूज होगी? समर। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एक स्टूडेंट है और इसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो ये कौन से सीजन में होगी? इसने कोट पैंट पहने हुए हैं, तो ये हमारा विंटर सीजन में आएगा। उसके बाद बूट है, ये भी विंटर सीजन, ये ट्राउजर है समर। कैप को हम दोनों सीजन में यूज कर सकते हैं, पर ये वुलन कैप नहीं है तो हम इसको समर में ही लिखेंगे, क्योंकि धूप से भी बचाती है कैप। नेक्स्ट शर्ट, समर सीजन, ये फुल बाजू का कोट हो गया है, तो ये हमारा विंटर हो गया, विंटर सीजन में पहनते हैं ऐसी ड्रेस, और जैकेट भी विंटर। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने बच्चों को भी करा सकते हैं घर में, कोई भी एक कुछ भी पिक्चर्स ड्रॉ करके, कुछ भी एक्टिविटी करा के आप सीजन्स के नाम भी याद करा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।